गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह बाथ टब कर्व, और इसको हम बोलते हैं फेलियर रेट कर्व, इसको ही बोला जाता है। ये हम स्टडी करेंगे कि बाथ टब जो कर्व होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ में दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमारा बाथ टब कर्व। इसको बाथ टब कर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये एक टब की तरह आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ये देखिए एक टब की तरह है, इसलिए इसको बाथ टब कर्व बोला जाता है। ये जो कर्व बनते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं हम, ये बनाते हैं बिटवीन फेलियर रेट और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा जो ये डायग्राम बनाई है, उसके बाद यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर उसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तीन स्टेज होती हैं जो हमारा ये फेलियर रेट कर्व है, इसमें तीन स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जो हमारा फर्स्ट स्टेज आता है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और फेलियर पीरियड इसमें कम होता है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आती है, कॉन्स्टेंट फेलियर पीरियड आता है जो कि हम कहते हैं सर्विस लाइफ, और थर्ड आता है हमारा वियर आउट पीरियड जिसमें जो प्रोडक्ट है हमारा कभी भी ख़राब हो सकता है वियर आउट पीरियड में। तो एक एक करके अब इनको समझते हैं। तो ये कर्व क्या डिफाइन करती है, दिस कर्व शो दैट व्हेन वी परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट आफ्टर हाउ मेनी डेज इट फेल और स्टेज ऑफ फेलियर इट शो रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली जो ये हमारी कर्व है ये रिलायबिलिटी शो करती है प्रोडक्ट की, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने साल तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, रिलायबिलिटी पता शो करती है। सपोज करो हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया बाज़ार से, तो जब हम उसको न्यू प्रोडक्ट लेके आएंगे, मिक्सर ग्राइंडर खरीद लिया, जब हम उसको न्यू लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगा, जैसे ही टाइम पर निकलता जाएगा तो वो कम स्लो चलने लग जाएगा, कभी बीच में ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको सर्विस कराना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये कब है जो हमारा ये कब बताते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं उसकी रिलायबिलिटी बताते हैं कितने दिन बाद वो फेल हो जाएगा, कितने दिन बाद उसकी हमने सर्विस करानी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, पहले पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, और यहाँ पे आपको फेलियर पीरियड और शॉर्ट पीरियड आपको दिख रहा होगा फर्स्ट स्टेज। व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट इट्स फेलियर पीरियड इज़ लेस बिकॉज चांसेस ऑफ फेलियर इज़ लो बिकॉज प्रोडक्ट इज़ न्यू। नवा नवा प्रोडक्ट है इसलिए वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए क्या इसमें देखिए क्या हुआ है, जो ये कर्व है ये फेलियर रेट है, तो इसका फेलियर रेट बहुत कम होगा, ठीक है। ये इसलिए ये ग्राफ है जो नीचे ये जो लाइन है ब्लू वाली ये नीचे आ रही है, क्योंकि इसका फेलियर रेट बहुत कम होगा। और ये टाइम है यहाँ पे टाइम, ये टाइम एक्सिस है और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ से देखिए सपोज करो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और फेलियर रेट है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट न्यू है और वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। एंड द फेलियर इज़ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और वी कैन जॉइन रॉन्ग पार्ट इन असेंबली। अब देखिए हमें न्यू प्रोडक्ट हमने ले लिया, उसका फेलियर रेट कम होगा जब वो नया नया होगा। अब फेलियर रेट न्यू प्रोडक्ट में फेलियर जो रेट है वो क्यों होगा, वो किसकी वजह से होगा, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है सपोज करो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा कोई, जो हम नेकडाई से नहीं देख सकते, या फिर उसकी जो असेंबली है उसको हमने गलत तरीके से ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे उसको लगाना था उसकी जगह पे नहीं लगा, गलत तरीके से ज्वाइन कर दिया, या फिर हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट खरीदा है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सपोज कि हमने सस्ता क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद लिया है और हमने उससे काम लेना है ज़्यादा, मगर हमने जो पैसे की कमी की वजह से हमने उसका जो हमें जो प्रोडक्ट खरीदा है वो सस्ता ख़रीद लिया है, इससे वो अगर हम उसको ज़्यादा काम लेंगे सस्ते प्रोडक्ट से तो वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो न्यू प्रोडक्ट है उनकी जो पीरियड ऑफ ये फेलियर पीरियड है वो कम होता है, मगर होता ज़रूर है क्योंकि ये सब डिफेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉन्स्टेंट फेलियर पीरियड और सर्विस लाइफ, इसको हम सेकंड जो स्टेज है उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फेल इन दिस रेंज आफ्टर इट्स सर्विस लाइफ, एग्जांपल ए प्रोडक्ट हैविंग वारंटी वन ईयर। तो इसमें देखिए क्या है, इस रेंज में आके जो प्रोडक्ट है वो यानी कि ऐसे नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसको सर्विस कराओ रिपेयर कराओ दोबारा से वो चलने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी वारंटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, कि हाँ अब इसकी वारंटी जो है
ख़त्म होने के कगार पे आ गई, जैसे कि 1 साल की वारंटी है तो हम कह सकते हैं कि 10 महीने निकल चुके हैं, 11-12 यानी कि 2 महीने बाकी रह चुके हैं, तो इसलिए वो सर्विस लाइफ में चला जाता है वो प्रोडक्ट, कि अब वो ख़राब होने की कगार पे है, कि हम ये कह सकते हैं कि वो ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा सर्विस लाइफ, इसमें क्या कॉन्स्टेंट पीरियड रहता है, फेलियर रेट कॉन्स्टेंट रहता है इसमें सर, क्योंकि ये सर्विस लाइफ पीरियड है। और नेक्स्ट वाला जो हमारा आ जाता है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है, ये वाली थर्ड स्टेज है, तो इसमें क्या है, इन दिस रेंज प्रोडक्ट फेल बिकॉज ऑफ वारंटी एक्सपायर। अब देखिए थर्ड स्टेज में हमारी वारंटी ख़त्म हो चुकी है, 1 साल की वारंटी दी थी वो एक्सपायर हो चुकी है, और अब वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो आगे चले, यानी कि 1 साल के बाद हमारा प्रोडक्ट हम उससे कोई काम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, मगर मोस्ट ऑफ केसेस में हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 साल की वारंटी तो 1 साल ही चलेगा, क्या पता वो 2 साल भी चल जाए, ठीक है ना। ये वेरी फ्यू केसेस होते हैं कि वारंटी ख़त्म होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो चले, वेरी फ्यू चांस दैट द प्रोडक्ट सस्टेन आफ्टर इट्स सर्विस टाइम पीरियड। इन दिस स्टेज इट फेल एनी टाइम, फेलियर रेट इंक्रीज इन दिस स्टेज। इस स्टेज में आके जो हमारा प्रोडक्ट है वो कभी भी ख़राब हो सकता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसका फेलियर रेट का कर्व है देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग, और क्योंकि फेलियर रेट ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए वियर आउट पीरियड आ जाता है, कि हम कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता, यानी कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि कभी वो ख़राब हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट है चलते चलते कभी वो एकदम से ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसकी ये जो एक्सपायरी डेट चली एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो एक्सपायर यानी कि 1 साल से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद जो इस केस में हमारे पास जो है वेरी फ्यू प्रोडक्ट विच वर्क एक्सीड इस टाइम पीरियड, में बता चुका हूँ कि बहुत ही कम प्रोडक्ट होते हैं जो इसके टाइम पीरियड के बाद भी अपना जो काम करते हैं, और फेलियर ड्यू टू फैटीग क्रोजन वाइब्रेशन एक्सेट्रा। बार बार किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो अगर लोहे का प्रोडक्ट है वो जिसमें आयरन है तो उसमें क्रोजन लग सकती है, फटीग से टूट सकता है, बार बार अगर कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर लोड डालेंगे तो फटीग से वो ख़राब हो सकता है, वाइब्रेशन से वो फेलियर हो सकता है, यानी कि जब वेयर आउट पीरियड में कोई प्रोडक्ट यानी कि थर्ड स्टेज में चला जाता है तो वो कभी भी ख़राब हो सकता है। तो ये था हमारा बाथटब कर्व कि किसी भी प्रोडक्ट के लायबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कहीं से कुछ नहीं समझ में आया तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।